हेड़ा राम, पुराने जमाने में राजा महाराजा भी इसी तरह भेष बदल के अपने राज्य में घूम घूम के देखते थे, सब ठीक है कि नहीं? आप भी किसी राजा से कम नहीं है सर, वेदास शहर के राजा तो आप ही हो। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? अंकल, ये बैग हमारे हवाले कर दो। छोड़ो मेरा बैग, रिकुल बचाओ, ये लोग मेरी अंगूठियों का बैग छीन रहे हैं। पुलिस, पुलिस! उनका बैग वापस करो। चलो, यू आर अंडर अरेस्ट। लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। तुमको पता नहीं यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब अबे, तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमें धमका रहे हो? शिवा, शिवा कहाँ हो तुम? वो चोर एक अंगूठी का बैग लेकर मार्केट रोड पे भाग रहे हैं। जल्दी से पकड़ो ने। तो बैग वापस कर दो अंकल। आओ ले लो बच्चे, ले लो। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। इधर कैसे पहुंच गए बच्चे? अंकल, आप लोग पाइप के अंदर से आए तो मैंने सोचा मैं ऊपर से उड़ के आ जाऊं। क्यों, कैसी रही? चमन, चमन, रमन, घेर लो इसे। अंकल,
अंकल, ये लीजिए आपका बैग। थैंक यू वेरी मच बेटा, इतनी सी उम्र में तुम में बड़ों से भी ज्यादा बहादुरी है। मेरे इस बैग में एक से एक कीमती अंगूठियां हैं। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं अंकल, अब हम चलते हैं। एक मिनट रुको बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है। शिवा, तुम्हारे अंदर बिजली सी तेजी है, मेरी तरफ से ये अंगूठी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिस गुंडे को इस अंगूठी का पंच पड़ेगा वो कभी भूल नहीं पाएगा। थैंक यू अंकल। शिवा, तुम्हारी अंगूठी तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, सच में बहुत सुंदर है। एक बार मुझे तो दो, देखे मेरे हाथ में कैसी लगती है। शिवा, ये देखो, यहाँ आदि ने अंगूठी पहन के पंच मारा और ये ऐसा निशान बना है जैसे एस हो। तभी वो अंकल कह रहे थे कि इस अंगूठी को पहन के किसी को पंच मारोगे तो वो कभी नहीं भूल पाएगा। इसका मतलब कि अब शिवा जिसको भी मारेगा, शिवा का ट्रेडमार्क एस उसके मुंह पे छप जाएगा। बॉस, वो अंगूठियों का बैग हमने उस आदमी से छीन ही लिया था, पर पता नहीं कहां से एक बच्चा आया और उसने हमारी धुलाई शुरू कर दी, बैग भी छीन कर ले गया। वो तो हम किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा है। क्या तुम सब एक बच्चे से डरकर भाग आए? डरकर नहीं, बुरी तरह से पिटकर भाग आए हैं पन्नालाल जी। पन्नालाल वो नहीं, मैं हूँ। तुम सबको हमने एक्सपर्ट फाइटिंग ट्रेनिंग दिलवाई है, इसीलिए के बच्चे से हार जाओ। हीरालाल बॉस, वो एक बच्चा चार बड़ों के बराबर है। अरे हीरालाल वो नहीं, मैं हूँ। क्या तुम लोगों को आज तक नहीं पता चला कि कौन कौन है? अपने बॉस लोगों को तुम सब पहचान नहीं सकते? बच्चे से क्या खाक लड़ोगे? बॉस बॉस, आप दोनों बात करते समय प्लीज एक ही जगह पर रहा कीजिए ना, हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नाटक बंद करो और दोबारा जाकर उस अंगूठी के बैग को चुरा कर झपट कर जैसे लाना है लाओ, और जाकर पता करो वो आदमी शहर में रुका कहाँ है। और हाँ, इस बार लोहार को साथ ले जाओ, बहुत हो गए सुनार के छोटे छोटे वार। बॉस, दगड़ के साथ जाओ और ये बताएंगे क्या करना है। सौ सुनार की और एक लोहार की, चलो। हीरालाल, अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए। आचार्य जी, आपको क्या बताऊं? वो बच्चा ना होता तो आज मैं अपनी सारी अंगूठियां गवा चुका होता। अंकल जी, आप यहाँ? अरे शिवा, तुम यहाँ कैसे? अच्छा, तो तुम इस बच्चे की बात कर रहे थे। यही तो है मेरा ग्रैंडसन शिवा, दूसरों की मदद करना इसका शौक है। अंकल, आपकी अंगूठी बहुत ही कमाल की है, जिसको लगेगी ना उसके चेहरे पे एस का निशान बना देगी। इसीलिए तो दी है। अरे शिवा की छाप हर गुंडे के चेहरे पे होनी चाहिए, ताकि वो दोबारा गलत काम करने से पहले शीशे में अपना चेहरा देखे तो इरादा बदल दे। शिवा, इनकी वीनस सिटी में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप थी, पर कुछ गुंडों ने इनकी दुकान में लूटपाट करके सब कुछ तहस नहस कर दिया था, तो ये वेदा शहर आ गए हैं। अंकल, कहीं वो वीनस सिटी वाले ही बदमाश तो नहीं थे? क्या पता, हो सकते हैं। लेकिन वो मेरा बैग क्यों छीन रहे थे ये समझ में नहीं आया। देखता हूँ इस बैग में ऐसा क्या है। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो भाई, सब कुछ ठीक रहा। इस खुशी में मैं आप सबको अपना नया गाना सुनाता हूँ।
आज कितने दिनों के बाद मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया है। एक गाना तो बनता ही है। आचार्य जी, आपने गाना गाना बंद नहीं किया? गाना गाना तो मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। गाना गाकर ही तो मैं इतना फिट और फाइन हूँ। शिवा, तुम लोग जाओ और मजे करो, मैं आचार्य जी का गाना सुनता हूँ। अरे मुझे तो इनका गाना सुनने की आदत कॉलेज के टाइम से है। देखा तुम लोगों ने, ये होती है सच्चे दोस्त की पहचान। हाँ। आ मेरा दोस्त मेरे घर जाओ और आराम करो, मैं इनका गाना सुनता हूँ। बहुत जमाने के बाद सुनने को मिला है। तुम लोग जाओ, मैं यही इंतजार करता हूँ। कोई है क्या? अंकल, कहाँ चले? अब आए हो तो कुछ चाय नाश्ता करके जाओ। पेड़ाराम, वो देखो, शिवा की किसी से फाइट हो रही है। जल्दी चलो पेड़ाराम। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? मैं पुलिस वाला हूँ, छोड़ो डॉगी, मुझे छोड़ो। शिवा, हेल्प करो, वो मेरे दोस्त को ले जा रहे हैं। शिवा, जल्दी नीचे आओ। अरे अरे डॉगी बस कर, अरे बहुत काट लिया, कितना काटेगा? नहीं, रुक जाओ। शिवा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जल्दी चलो, वीनस सिटी की ट्रेन चलने वाली है, हम ट्रेन से जाएंगे। वो लड़का आ रहा है, मैं उसे रोकता हूँ, तुम लोग चलो। Oh!
शिवा, मैं इसे पकड़ता हूँ, तुम अंकल को बचाओ। सर सर, वही है शिवा, बहुत खतरनाक लड़का है। वो कुछ नहीं कर सकता, एक साइकिल से ट्रेन का पीछा कैसे करेगा। बाय बाय शिवा, बाय बाय। मिल गई, मिल गई। हा, 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 हमारे करोड़ों की अंगूठी मिल गई। तो इसीलिए तुम लोग मेरे पीछे पड़े थे, मेरी पूरी दुकान बर्बाद कर दी। अरे फोन करके बोल देते तो मैं निकाल के खुद दे देता। तुम लोगों के चेहरे पे ये एस का निशान कैसे बना है? बॉस, ये उसी लड़के ने बनाया होगा। क्या घुमा घुमा के पंच मारता है। कह रहा था चाय नाश्ता करते जाओ। चाय नाश्ते में इतना मारा तो लंच डिनर पे कितना मारेगा, ये निशान तो मिट ही नहीं रहा। ये लड़का है? नहीं नहीं, ये लड़का नहीं हो सकता, ये कुछ और है। अंकल रुक जाओ। फाइट करो, बैठ क्यों गए? हम दो बार मार खा चुके हैं और नहीं खा सकते, सॉरी। अब बोलिए, कोई और है? ये हमारे बॉस है, हीरा लाल, पन्ना लाल, ये ही लड़ेंगे। हमने तो सरेंडर कर दिया है। हम स्मगलर हैं, फाइटर नहीं। आप अंकल के पीछे क्यों पड़े हो? वो क्या है ना, इसके खतरे से जो पुलिस से बचने के लिए हमने इसके बैग में छुपा दी थी। पुलिस से कभी कुछ नहीं छिपता। शिवा, शिवा मैं आ गया हूँ। डोंट वरी, इसके आगे मैं संभाल लूंगा। यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। शिवा सर, ये एस का निशान कैसे जाएगा? मुझे नहीं पता, ये तो महेश्वरी अंकल ही बता सकते हैं। ये कभी नहीं जाएगा।